ये सुनिए सूरदास जी का एक और आया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। तो यहाँ पे ऊधो और कृष्ण जी का संवाद, मतलब कृष्ण जी ने ऊधो जी से ब्रज जाने की क्या अनुरोध करते हैं, तुसी का वर्णन है। और ऊधो जी से क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे ऊधो मुझसे वह ब्रज बिछड़ता नहीं है, उसको मैं याद करता रहता हूँ, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल वन उपवन मुझे याद आते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन यानी वृंदावन गोकुल वन उपवन मुझे याद आते हैं, सघन कुंज की छाही और वहाँ पर जो घने घने कुंज की बेले हैं उनकी छाहों को मैं भुला नहीं पाता हूँ। प्रात समय माता जसुमति यानी सुबह सुबह माता यशोदा माता मुझे देखकर जो सुख पाती थी और नंद जी जी जो सुख पाते थे वह मुझे रह रह कर क्या होता है, स्मरण आता है, याद आता है। आगे क्या है, माखन रोटी दही हो सजायो यानी क्या करते हैं, वह मुझे माखन रोटी भली भांति जमाया हुआ दही मिलाकर कितना प्यार से खिलाते थे, ये हमें ब्रज आज तक विसरता नहीं है। और आगे क्या कहा, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सिरात मतलब बीत जाना, यहाँ पे सिरात मतलब क्या होता है, बीत जाना। गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते पूरा दिन हमारा क्या हो जाता है, हंसते खेलते बीत जाता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी को धन्य मानना चाहिए, धन्य धन्य मानना चाहिए और अपने भाग्यों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हितों की चिंता है। क्या है, उनके हितों की चिंता है।